और हमारे संवाददाता ने डॉक्टर संजय निसार से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा जरा सुनिए। पांच राज्यों के चुनाव के बाद में आज चार राज्यों का मतगणना का फैसला हो रहा है, ऐसे में आप देखना होगा हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी से हैं संजय निषाद जी, हम सीधा उनसे बात करेंगे। अगर बात की जाए तो जिस बार चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है एग्जिट पोल के नतीजे आने चालू हो गए हैं, कौन सरकार बना रहा है? देखिए अभी तो गिनती के नतीजे आने शुरू हो गए और हम लोग सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम जीत रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी हिंदी भाषा समझते हैं और ये हमें जिता रही है किताब। ये किताब जो है ये किस तरीके से राजनीतिक आरक्षण हमारा सुरक्षा था, लोकसभा विधानसभा विधान परिषद इस कांग्रेस ने छीना, इसका पर्दाफाश किया गया पूरे देश के निषादों मछुआरों के लिए। एक किताब में उनका भाग्य लिखा था, 1961 तक 70 लाख थे उत्तर प्रदेश में और जब एक गिनती बाद में 91 में 7,000 कर दिया। एक किताब में पर्दाफाश किया गया कि इनके जो अधिकार छीने गए हैं वो छीनने के नाते 18% आबादी मछुआरे पूरे मोदी के साथ हैं और धोखेबाजों को हटाने के लिए पर्दाफाश रैली निकाली और पूरे देश के मछुआ समुदाय जो हिंदी अब समझ सकते हैं धीरे धीरे उधर भी समझेंगे, तो इसलिए जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं इसीलिए हम लोग जीत दर्ज करा रहे हैं। और एक और बात है कि निषादों ने मान लिया, जिस तरीके से अपर काम मोदी जी को एहसास कराया कि हम आपके साथ हैं और हमारे गरीबों की सेवा करें, तो आरक्षण गरीबों के लिए लिखा, उन महिलाओं ने भी एहसास कराया कि बदमाश लोग हैं इन्हें सत्ता से हटाओ, मोदी को लाओ, इनको जीत का एहसास कराओ क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और देश का आगे प्रगति पर ले जाने का काम करें। इसी तरीके से मछुआरों ने भी तय कर रखा कि अभी इनको हटाना है कांग्रेस को, तो इनके सहयोगियों को हटाना और मोदी को लाना और फिर अपना आरक्षण।